अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करनी विदाउट अवन 1 पाउंड वनीला पाइनएप्पल केक की रेसिपी। विदाउट अवन बनाएंगे, 1 पाउंड का केक है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी है, हर कोई इसको बना सकता है। चलें जी हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडे हमेशा जब भी आप बेकिंग का काम करें रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 2 अंडे लिए मैंने, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीटर की हेल्प से बीट करे, तकरीबन 2 से 3 मिनट पे कुछ इस तरीके के ये बीट हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ली है, 50 ग्राम मेरे पास पाउडर शुगर थी। घर की जो चीनी होती है उसको मैंने पीस लिया था, 50 ग्राम उसमें से मैंने वेक कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। जब भी आप कोई पाउडर चीज़ लिक्विड के अंदर शामिल करें, पहले आप उसको हल्के हाथ से हिला लें, उसके बाद यहाँ पर आपने बीटर चलाना है, अदरवाइज़ जो पाउडर शुगर है वो उड़ सकती थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आप बीट करेंगे तो उस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उसका कलर भी यहाँ पे बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत हल्का कलर इसका हो जाएगा। अंडे और चीनी बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गए। यहाँ पर इसकी ये निशानी है कि मैंने बीटर को उठाया और उसके बाद जब मैंने इसको ड्रिप किया तो यहाँ पर रिबन कंसिस्टेंसी के साथ गिर रहा है, गिरने के बाद ये थोड़ा ठहर रहा है सरफेस पे, तो इसकी ये निशानी है कि बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गया और हमें इसको मज़ीद बीट करने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला था, वनीला एसेंस यहाँ पर लिया मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि वनीला एसेंस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारे पास जो है लिक्विड काम ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास है यहाँ पे जी मैदा। मैदा मैंने लिया था 50 ग्राम मैंने मैदा लिया, तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून में शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर मैदे को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको अपने लिक्विड बैटर जो हमने बनाया था उसके अंदर छान लेंगे। आपने ये हमेशा आपने याद रखना है, कभी भी जो आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो वो एकदम आपने नहीं शामिल करने, आपने हमेशा हाफ करके या 3 पोर्शन के अंदर करके शामिल करने। मैंने पहले हाफ शामिल किया है और आपने जब छानेंगे इसको तो पूरे आपने बाउल के ऊपर इसको फैलाना है, आपने एक जगह इसको नहीं छाना। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं मैं इसको छाना, आपने बिल्कुल इसको एज इट इज़ ही छाना है ताकि पूरा का पूरा जो ड्राई हमारे पास मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से वेट इंग्रेडिएंट के ऊपर ठहर जाए। अब मैं इसको कट एंड फोल्ड की टेक्निक से बहुत हल्के हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करी। अगर आपने ज़रा सा भी ज़ोर से हाथ चलाया तो हमने जो फोम बनाया हुआ था अंडों का और चीनी के मिक्सचर का वो हमारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैठ जाएगा। जब आप देखें कि अच्छे तरीके से मिक्स हो गया ड्राई इंग्रेडिएंट सारे के सारे, तो हम दोबारा जो हमारे पास हाफ बचा था वो शामिल करेंगे। अगेन कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आपको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं नज़र आना बंद हो जाएंगे, आपका जो बैटर है बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। ये मैं 1 पाउंड का बना रही थी तो मैंने यहाँ पर 6 इंच का मोड़ लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस करके बटर पेपर से लाइन कर लिया था और अब सारे का सारा बैटर जो है मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। आप देख सकते हैं बैटर बहुत हल्का सा है जो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत हल्का सा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर को इनकॉर्पोरेट कर दिया था बीट करके। अच्छे तरीके से आपने इसको टैप करना, टैप करने के बाद अगर आपके पास शार्पनिंग स्टिक या कोई भी टुक पिक हो या कोई भी स्क्वायर आपने उससे अच्छे तरीके से यहाँ पर अंदर बस ज़िगज़ैग कर देना ताकि इसके अंदर मज़ीद अगर कोई एयर ट्रैप हुई है तो वो निकल जाए। इसको हम बेक करेंगे चूल्हे पर, चूल्हे पर तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर मीडियम हीट पर बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो गया था। प्री हीट मैंने ओवन कर लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, उसी आंच पर जिस आंच पर मैंने प्री हीट किया था लो हीट पर उसी आंच पर ये पका है और यहाँ पर देख सकते हैं 20 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का ये तैयार हो गया था। साइड्स आप देख सकते हैं कि इसने किनारे अपने छोड़ दिए थे, आपने बीच में बार बार ढक्कन को खोल के नहीं देखना और कवर मैंने लिड को जब किया था तो मैंने एक कपड़ा भी लगा दिया ताकि इसके अंदर से मज़ीद कोई भाप ना निकले। आप देख सकते हैं जो स्टिकें हमारी बहुत साफ बाहर आई है। अब इसको मैंने ठंडा होने दिया था, ठंडा होने के बाद मैंने कुछ निकाला है इसको मोल्ड से और कुछ इस तरीके की इसकी शक्ल थी, ये बहुत सॉफ्ट बना था। इसकी लेयर्स हम आगे आप देखिएगा, मैं इसकी लेयर जो कट करूँगी वो 3 लेयर्स कट करूँगी, हालांकि मोस्टली 1 पाउंड के केक में आप 2 लेयर्स को कट करते हैं, लेकिन इतना स्पंजी था, इतनी ज़्यादा इसकी हाइट बनी थी कि मैं इसको ईजिली 3 लेयर्स के अंदर कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं विदाउट अवन भी हमारा जो केक का रिजल्ट होता है बहुत ज़बरदस्त आता है। अब केक को हमने यहाँ पर सेंटर से कट कर लिया था, 2 हिस्सों में कट किया था। यहाँ पर मेरे पास है जी पाइनएप्पल का टिन था, उसके अंदर जो सीरप होता है उससे मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको सोक कर रही हूँ ताकि हमारा केक जो है मॉइस्चर, क्योंकि स्पॉन्ज है। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले विप क्रीम। सिंपल ही हमारे पास विप क्रीम थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और कुछ इस तरीके से फ्लफी हो गई थी, बस आपने इसको अप्लाई कर देना है यहाँ पर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट मैं इसके अप्लाई करूँगी पाइनएप्पल चंक्स। अच्छा, इन चंक्स को ना आप छोटा भी कर सकते हैं, जो टिन से आप निकालते हैं उसको आप छोटे साइज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे जी अपनी सेकेंड लेयर, दोबारा से सेकेंड लेयर को सोक करेंगे हम पाइनएप्पल जूस के साथ या टिन के अंदर जो भी आपका सिरप मौजूद होता है टिन के अंदर, वो वाला सिरप आप इस तो अच्छे तरीके से सोक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल जैसे हम क्रीम अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को अप्लाई करना है। बेसिकली हम करें क्रम कोटिंग कर रहे हैं। क्रम कोटिंग जो हमारी हो जाएगी इसके बाद हम इसको रख देंगे जी फ्रिज में। फ्रिज में तकरीबन आपने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे
2 घंटे और तकरीबन मैक्सिमम आप 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्रम कोटिंग बड़े अच्छे तरीके से हो गई थी, मैंने फ्रिज से निकाल लिया था। अब बस मैंने इस केक पे थोड़ी हल्की सी लेयर देनी थी क्रीम की, इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी लेयर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैं साइड्स पे इसके लेयर्स लगाई क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कॉम से जो आपने अभी देखी है इससे मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी थी। और बस यहाँ पे मैंने इसके अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर ली है। फिर अब पाइपिंग मैग में नोजल को भरने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे जी थोड़े से रोजेट्स, और जिस तरीके से मर्जी है आप बेकरी स्टाइल में जैसे भी डेकोरेट करना चाहे उस तरीके से यहाँ पर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जब हमारे पास अच्छे तरीके से डेकोरेट हो जाएगा, अब यहाँ पे ना मैं बस साइड्स पे भी इसका बड़ा अच्छा सा लुक क्रिएट करने के लिए साइड्स पे भी यहाँ पे क्रीम से स्टार्स बना रही हूँ। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे जी पाइनएप्पल, जो हमारे पे चंक्स थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अच्छे तरीके से आपने लगा देने क्योंकि हमारा पाइनएप्पल केक है तो इस पर पाइनएप्पल चंक्स भी तो नज़र आएँ, इसलिए बस ये अप्लाई करने के बाद सेंटर में जिस तरीके से मर्जी आप डेकोरेट करना चाहें। और लास्ट में हम अप्लाई कर देंगे जी चेरी, और ये थी हमारे इस केक की फाइनल लुक जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है बेकरी स्टाइल, आप इसको जिस मर्ज़ी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा भी आपके एरिया में केक मिलता है उस हिसाब से। तो बस ये थी आज की फाइनल लुक, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। स्पॉन्ज आपका यही रहेगा और आप विदाउट अवन भी बना सकते हैं क्योंकि मैंने विदाउट अवन ही ये बनाया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।